हेलो फ्रेंड्स इट्स अबे फ्रॉम पाल फ्रॉम एक्टेज लॉन एंड आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी उस नए अपडेट के ऊपर जॉन सा कनेडियन एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पे आ, अपडेट किया है सो द न्यू रूल और द न्यू गाइडलाइंस इज दैट के अब आ, आज पी टी ई चाहे टॉफ़ल होम बेस्ड हो चाहे टॉपफल इंटरनेट बेस्ड हो या टॉपल सेंटर बेस्ड हो आ, इन तीनों में जब भी फाइल्स लगेंगी तो आपकी फ़ाइल एस डी एस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में कंसीडर की जाएगी अगर मैं आ, कुछ देर पहले की बात करूं या प्रीवियसली मई इनटेक की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आयल्स की फाइल ही एस डी एस में कंसीडर की जाती थी और उनका वीज़ा रेट काफ़ी हाई होता था या काफ़ी ज़्यादा सक्सेस वाली फाइल्स देखती थी जोन सी IELTS के साथ अप्लाई करती थी बट विद द न्यू रूल्स विद द न्यू गाइडलाइंस आई आर सी सी ने आयल्स पी टी ई टॉफल तीनों को एक ही uh, मायने में देखा है तीनों को एकदम इक्वल कर लिया है अब आप चाहे अपनी फाइल आयल्स के साथ अप्लाई करें चाहे पी टी के साथ अप्लाई करें चाहे टॉफल के साथ अप्लाई करें आपकी फाइल एस एस में कंसिडर की जाएगी सो so, आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट क्या स्कोर रहेंगे फॉर पीटी दैट इज इक्वल टू सिक्स ईच टॉफल का क्या स्कोर रहेगा सिक्स ईच के बराबर सो so, इस वीडियो में आगे हम एस डी एस कैटेगरी बेसिकली होती क्या है उसके बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे सो so, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जॉन सा सेप्टेम्बर इनटेक या अगला जनवरी इनटेक में कैनेडा जाके स्टडी करना चाहते हैं सो so, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं एस डी एस कैटेगरी होती क्या है और कौन से कौन से स्टूडेंट्स इसके अंदर क्वालिफाइड रहते हैं सो so, सबसे पहले इसके अंदर वो वाले स्टूडेंट्स क्वालिफाई रहते हैं जिनकी एडमिशन कनेडियन कॉलेज में हुई है या कनेडियन यूनिवर्सिटी में हुई है अब वो कॉलेज और वो यूनिवर्सिटी कौन से हैं Uh, मैं उन कॉलेज की बात कर रहा हूँ जिनके पास डी एल आई डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट नंबर है सो so, कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी कनेडियन कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है उसके पास डी एल आई नंबर है सो दैट्स द फर्स्ट थिंग आप एस बी एस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं सो मेक श्योर कीजिए कि कोई भी किसी भी कंसल्टेंट को अगर आप चूज करें तो आपका कंसल्टेंट आपकी एडमिशन किसी डी एल आई कॉलेज में ही कराए सो द सेकेंड कंडीशन आपकी एक साल की फीस पे होनी चाहिए अगर आप डिप्लोमा में ले रहे हैं डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं कैनेडा में यूजली डिप्लोमा दो साल का होता है एंड डिग्री चार साल की होती है चाहे आप कॉलेज में जाएँ चाहे आप यूनिवर्सिटी में जाए आपको कंपलसरी है आपकी एक साल की ट्यूशन फ़ीस पे करना जब आप अपनी एक साल की ट्यूशन फीस पे करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एस डी एस कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं सो so, जॉन सा तीसरा क्राइटेरिया था फॉर द एस डी एस कैटेगरी जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं करते थे दैट वॉज योर आज क्राइटेरिया आपको एस डी एस में क्वालिफाई करने के लिए टगरी no no की, की तरफ से आयल्स no के, के रूल में कुछ मॉडिफिकेशन एंड एडिशन की गई है सो so, अब जो ऐसी नई एडिशन है दैट इज आप पी टी ई के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं पी टी ई में आपका स्कोर ओवरऑल सिक्स विद नो लेस देन सिक्सटी होना चाहिए दैट इज इक्वलो लेस दैन सिक्स फाइव अगर मैं आयल्स की बात करूँ सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट आप टॉफल में भी टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरन लैंग्वेज में भी एस बी एस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं आप इंटरनेट बेस्ड भी अप्लाई कर सकते हैं आप सेंट्रल बेस्ड आयल्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं uh, टॉप फल का स्कोर ज्यादा रहेगा इज़ 83 विद नो लेस देन 83 थ्री इन एनी मॉड्यूल एज इट इज अदर इस न्यूज पे मैं अपना व्यू पॉइंट बताऊं तो काफी पॉजिटिव न्यूज है कैनेडियन एम्बेसी की तरफ से Uh, अगर मैं बात करूं कनेडियन गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स स्पेशली नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को वहाँ पे बुलाना चाहते ही क्योंकि नॉर्थ इंडियंस की पहली प्रेफरेंस हमेशा से कनाडा ही रहा है सो कई स्टूडेंट्स विद पी ही जिन्होंने अप्लाई किया था uh, और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था तो आप एक बारी रीअप्लाई uh, करने का जरूर सोचिए क्योंकि अब आपकी फाइल एस डी एस में कंसिडर की जाएगी और आपके वीज़ा चांसेस किसी आयल्स वाले बच्चे जितने ही रहेंगे सो ऑल इन ऑल टॉफल वाले पी टी वाले अगेन आयल्स वाले दे आर मोर देन वेलकम इट्स वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम देम कि आप अब अपना कैनेडा स्टडी वीज़ा का सपना पूरा कर सकते हैं अगर आपके रिक्वायर्ड बैंड सिक्स ईच चाहे पीटी में हो चाहे टॉफन में हो अगर आप अपकमिंग जनवरी एज वेल एज सेप्टेम्बर इन डेट में कैनेडा का स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर में हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कैनेडा की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएगी एंड जहाँ पे आपके हाँ वीजा चांसेस काफी हाई होंसो so, Uh, और देर मत कीजिए स्क्रीन के नीचे दी गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए या अपनी वी ओ एस हैगसेल सेटल ब्लाब विजिट कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन